गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ के आसमान से दुनिया देखेगी भारत की ताकत। 8 मिनट के फ्लाई पास्ट के दौरान ट्रांसपोर्ट विमान AN-32 बायोफ्यूल की ताकत से उड़ेगा। एयरफोर्स ने इसे सतलज परफॉर्मेंस नाम दिया है। इसमें भाग लेने वाले 37 में से 26 विमान जोधपुर और बीकानेर के नाल एयरबेस समेत 3 जगहों से उड़ान भरेंगे। पिछले 15 दिन से इनका अभ्यास चल रहा है। 37 विमानों में 18 फाइटर, 8 ट्रांसपोर्ट विमान और 11 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। जैसलमेर में BSF के IG अनिल पालीवाल ने जैसलमेर के साउथ सेक्टर में लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई चौकियों का दौरा कर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। IG ने बॉर्डर एरिया में पैदल विजिट की और सीमा पर होने वाली गतिविधियों के करीब जाकर देखा। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी भी तरह की कोई घुसपैठ न हो पाए, इसलिए IG ने BSF के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। राजस्थान के शाहपुरा में निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल को स्वाइन फ्लू हो गया है। इस बात की पुष्टि बेनीवाल की पत्नी सविता ने की। स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद बेनीवाल अपने जयपुर स्थित आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। गौरतलब है कि आलोक बेनीवाल कांग्रेस से बागी होकर शाहपुरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़े थे। वे प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री कमला के बेटे हैं। पाली पंचायत समिति के उप प्रधान नरेंद्र सिंह ने अपनी शादी में 1 भी रुपए का दहेज न लेकर एक मिसाल कायम की है। नरेंद्र सिंह का कहना है कि वो बचपन से ही दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। नरेंद्र सिंह मानते हैं कि दुल्हन ही असली दहेज है। अपने बेटे की ऐसी सोच देखकर नरेंद्र के पिता भैरव सिंह काफी खुश हैं। भैरव सिंह ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की सोच और फैसले पर गर्व है। अपनी शादी में दहेज न लेकर नरेंद्र सिंह अब पाली और पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन गए हैं। पश्चिमी हवाओं के अचानक रुख बदले जाने के बाद मौसम में अचानक गुरुवार को बदलाव आ गया। जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में हवाएं तेज हो गई और बारिश का दौर शुरू हो गया। कई जिलों में बारिश के साथ चने के आकार के ओले भी पड़े। खेतों में ओले की चादर सी बिछ गई। बारिश के बाद अचानक तापमान में गिरावट आ गई। कई जिलों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश में 7 जिलों में जहां ओलावृष्टि हुई है, वहीं 11 जिलों में बारिश हुई है। शुक्रवार से तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। राजधानी जयपुर में भी 4.5 डिग्री तक गिरावट तापमान में दर्ज की गई। बारिश की वजह से सबसे ज्यादा सीकर के शेखावटी क्षेत्र में सर्दी बढ़ गई है। यहां सुबह के वक्त खेतों में बर्फ की पतली चादर सी नजर आ रही थी।